हाँ तो गाइस फाइनली ट्यूटोरियल वीडियो आ चुका है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगा एटमोशन एप्लीकेशन से और काइन मास्टर एप्लीकेशन से वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करनी है, उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको 9:16 का रेशियो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्रिएट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको मीडिया पे जाना है और मीडिया पे जाने के बाद आपको ब्लैक लेयर ले लेनी है। ब्लैक लेयर लेने के बाद उसकी लेंथ आप अपनी वीडियो के हिसाब से रख लेना जितनी आपकी वीडियो होगी। उसके बाद आपको दोबारा से लेयर में जाना है, उसके बाद आपको मीडिया में जाना है और मीडिया में जाने के बाद आपको वीडियो ले लेनी है जिसको आपको एडिट करना है। उसके बाद उस वीडियो को ले लेने के बाद उस वीडियो को फुल स्क्रीन करना है। उस वीडियो की फुल स्क्रीन करने के बाद उस वीडियो का जो म्यूजिक है उसको ऑफ करना है और दूसरा म्यूजिक लेना है जिसको आपको इस वीडियो में ऐड करना है, और वो म्यूजिक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद उस सॉन्ग को ले लेना है यहाँ पे, और उस सॉन्ग को लेने के बाद आपको देखना है कि बीट कहाँ पे आती है। जो फर्स्ट बीट आती है वो बीट कुछ यहाँ पे आती है, तो आपको उस बीट के हिसाब से आपको अपनी वीडियो को एडजस्ट करना है ताकि जो वीडियो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो उस बीट से मैच कर जाए। अगर नहीं मैच हो रहा तो आप वीडियो को स्लो या फास्ट कर सकते हैं ताकि वो मैच हो जाए। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं लगभग कुछ, अभी इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं, उसके बाद अभी नहीं हो रहा थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं, उसके बाद ये मैच हो जाएगा, उसके बाद फास्ट हो गया। उसके बाद जैसे मैच हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्रिम करना है और जो पीछे वाली जो क्लिप है उसको थोड़ा स्लो करना है ताकि जितने हमारे म्यूजिक की लेंथ है उतनी वीडियो की लेंथ हो जाए। उसके बाद हम क्या करना है, जो इसके पीछे वाला पार्ट है उसको कट करना है और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। हाँ तो गाइस वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप क्या करना है, अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करनी है। अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस पर सिलेक्ट करने के बाद आप प्लस वाले साइन पे क्लिक करके आपको अपनी वीडियो ले लें जो आपने अभी काइन मास्टर से एक्सपोर्ट किया। उस वीडियो को ले लेने के बाद आपको क्या करना है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और शेक इफेक्ट करके वहाँ पे एक लिंक मिलेगी आपको, उसको डाउनलोड करके आपको अपने अलाइट मोशन में ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट में जाना है और वहाँ पे जो मैंने सीसी दी हुई है उनको कॉपी करना है। उनको कॉपी करने के बाद जहाँ पे एरो बन रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा से अपने वाला प्रोजेक्ट ओपन करना है और अपना वाला प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपको जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपकी वीडियो में सिंपली कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका जो पीछे वाला फालतू पार्ट है उसको कट करना है, ठीक है। जो जो स्टेप आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जहाँ जब एरो बन के आ रहे हैं वो आपको फॉलो करना है और इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसको कट करना है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा कट हो जाता है इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इसको बढ़ा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरा लास्ट तक इसको बढ़ा देना है, ठीक है। जितनी आपकी वीडियो की लेंथ है उतना इसको बढ़ा देना है और आपको सिंपली अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। सो गाइस वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको दोबारा से अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करनी है। इसके बाद आपको प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, उसके बाद 9:16 वाले रेशियो पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको फिर से प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है। प्लस वाले साइन पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से वो वाली वीडियो ले लेनी है जिस पे आपने अभी अभी कलर ग्रेडिंग की है। कलर ग्रेडिंग वाली वीडियो को लेने के बाद आपको उस वीडियो पे क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो आपकी वीडियो होगी उसका जो म्यूजिक होगा अलग हो जाएगा और वीडियो अलग हो जाएगी, जिससे कि आपको बीट के इजीली पता चल जाएगा कि बीट कहाँ कहाँ पे है। अगर आपको बीट का नहीं पता तो आप मेरे वाले प्रोजेक्ट को ओपन करके देख सकते हैं, मैंने जहाँ जहाँ पे बीट मार्क ऐड किए हैं आप वहाँ पे अपनी वीडियो में बीट मार्क ऐड कर सकते हैं। बीट मार्क ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ऊपर पे दिख रहा होगा आपको नंबर से दिख रहे होंगे जहाँ पे एरो बन के आ रहा है उस पर क्लिक करना होगा जिससे कि आपको बीट मार्क हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस पूरी वीडियो में बीट मार्क लग जाने के बाद आपको क्या करना होगा, जो आपने मेरी वीडियो में फर्स्ट में देखा होगा एक इफेक्ट था, तो वो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, हमें जिस स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको वही वही स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे एरो बन के आ रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप फर्स्ट में जाना है, फर्स्ट में जाने के बाद आप देखना वहाँ पे मैंने 4 लाइन वाले बीट मार्क ऐड किए, ठीक है। वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एरो बन के आ रहे हैं वहाँ क्लिक करना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक प्लस वाला आइकन, प्लस वाला साइन दिख रहा होगा छोटा सा, उसको की फ्रेम बोला जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा पीछे चले जाना है जहाँ पे फर्स्ट बीट आती है, जो सबसे मेन बीट आती है, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे जाके आपको दोबारा से एक की फ्रेम ऐड करना है और आपको क्या करना है, उसको पूरा माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने के बाद वीडियो थोड़ा पीछे चली जाएगी, उसके बाद जो फर्स्ट बीट जो आती है मेन बीट प्रॉपर उसी के ऊपर एक दूसरा की फ्रेम ऐड करना है और फिर उसको क्या करना है, बढ़ा देना है, ठीक है। की फ्रेम के ऊपर जाके उसको बढ़ा देना है,
इतना काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे मैं कट लगा रहा हूँ आपको वहीं वहीं पे कट लगाना है उतने पार्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने की फ्रेम ऐड की उस वाली क्लिप को आपको टच करना है। उसके बाद इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जाने के बाद आपको सर्च में जाना है और सर्च में सर्च करना है TI पर। इतना सर्च करने के बाद ऊपर भी फर्स्ट में जो इफेक्ट आएगा उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। वो इफेक्ट ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उस इफेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। उस इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉप का जो आएगा ऑप्शन, उस क्रॉप को क्या करना है, आपको थोड़ा सा घटा देना है, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जितना आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, फर्स्ट में जो आपने एक की फ्रेम ऐड की थी वहाँ पे चले जाना है और इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओपेसिटी वाले सेक्शन में जाना है। ओपेसिटी वाले सेक्शन में जाने के बाद बगल में आप देख सकते हैं वहाँ पे एक की फ्रेम आ रही है जहाँ पे एरो बन के भी आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे दोबारा से एक की फ्रेम ऐड करनी है और उसको बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ा देने के बाद आपको दूसरे नंबर वाले जो हमने पहले में की फ्रेम ऐड की थी वहीं पे जाना है, ठीक है, दूसरे वाली की फ्रेम में, और दोबारा से ओपेसिटी वाली जो की फ्रेम है उसको ऐड करना है और उसको क्या करना है, आपको घटा देना है। उसके बाद तीसरे वाले की फ्रेम पे जाने के बाद आप क्या करना है, ओपेसिटी वाली की फ्रेम उस पर ऐड करनी है और आप क्या करना है, उस वाले को बढ़ा देना है। बढ़ा देने में आप देख सकते हैं कि वीडियो पे वो इफेक्ट आ चुका है। अब आप क्या करना है, पूरी वीडियो पे कट लगाने जहाँ जहाँ पे अपने बीट मार्क ऐड किए। जब तक हम अपनी वीडियो में कट लगाते हैं तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर बेल आइकन ऑन नहीं किया होगा तो बेल आइकन भी ऑन कर दो, ठीक है। पूरी वीडियो पे कट लग चुके हैं और अभी हम क्या करेंगे, इस पे इफेक्ट ऐड करेंगे। इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, बैक जाना होगा, मेरे वाले जो प्रोजेक्ट है जो मैंने दे रखा है सेक इफेक्ट वाला उसको ओपन करके वहाँ से आपको क्या करना होगा, इफेक्ट को कॉपी करना होगा। जहाँ जहाँ पे एरो बन के आ रहे हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आप उसके बाद इफेक्ट कॉपी करने के लिए इस इफेक्ट को कॉपी करना होगा। इफेक्ट को कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपना वाला प्रोजेक्ट ओपन करना है, अपनी वीडियो में इफेक्ट पेस्ट करना है, ठीक है। जो वन लाइन वाला बीट मार्क वाला इफेक्ट होगा उसको अपनी वीडियो में वन लाइन वाले बीट मार्क में ऐड करना होगा। जो टू लाइन वाला बीट मार्क इफेक्ट होगा उसको आप अपनी वीडियो में टू लाइन वाले बीट मार्क में ऐड करना है। जो थ्री लाइन वाला बीट मार्क इफेक्ट होगा वो आप अपनी वीडियो में थ्री लाइन वाले बीट मार्क में ऐड करना है। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।